अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में जो मैं आपको टॉपिक करवाने लगी हूँ वो है एमएमपी का ग्रीन्स फंक्शन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इसके अंदर हम ग्रीन्स फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल ग्रीन्स फंक्शन, एक होता है मॉडिफाइड ग्रीन्स फंक्शन। तो सबसे पहले हम सिंपल ग्रीन्स फंक्शन करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन सिंपल है कि मॉडिफाइड है, और उसके बाद अगर सिंपल है तो उसको कैसे सॉल्व करना है और मॉडिफाइड है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और उसके स्टेप्स वगैरह हम देखेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो मैं थोड़ा सा बुक से बता दूँगी। मैं जो बुक यूज़ कर रही हूँ वो है प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिज़िक्स बाय के एल मीर, लेकिन आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेन कंसर्न हमारा होता है कि हमने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है और देखना है कि उसे सॉल्व कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट लेना है। तो क्वेश्चन कोई भी हो तो उसे उस कंसेप्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी बुक से। तो सबसे पहले देखिए, ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड विद रेगुलर एस एल सिस्टम, और इसके अंदर इसके फाइव स्टेप्स हैं जिनसे हम जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है तो हमारा जो पहला स्टेप है ना, उसमें हमने लैम्डा को ज़ीरो करना है। जब हम लैम्डा को ज़ीरो कर देंगे तो हमारे पास जो सिर्फ फंक्शन वो जो वैल्यू बचेगी, वो फंक्शन बचेगा वो वाई का होगा, एल ऑफ वाई। तो हमने उसके ज़रिए से अगर देखना है, अगर हमारे पास जो है ना लैम्डा, अगर हम लैम्डा इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं और अगर हमारे पास उसको सॉल्व करने के बाद जो हमें बाउंड्री कंडीशंस दी होंगी, जैसे इसके अंदर बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं ए इन द फॉर्म ऑफ ये अल्फ़ा एंड बीटा, ये हम लोग पहले ओडीज़ में भी देख चुके हैं, और उसके बाद इस फॉर्म में डी दी जा सकती हैं, इसमें भी, इस फॉर्म में भी दी जा सकती हैं और इस फॉर्म में भी दी जा सकती हैं। तो इसके अंदर हमने लैम्डा को ज़ीरो करना है और उसके बाद हमने सॉल्व करना है बाउंड्री कंडीशन के जरिए। हमने देखना, अगर हमारे पास वाई ज़ीरो आ गया, मतलब अगर सॉल्यूशन हमारे पास ट्रिवियल आ गया, तो फिर जो है ना हमारे पास वो होगा सिंपल ग्रीन्स फंक्शन, सिंपल ग्रीन्स फंक्शन। लेकिन अगर हमारे पास वाई जो है वो नॉन ज़ीरो आएगा तो वो मॉडिफाइड हो जाएगा, मॉडिफाइड, और ये हम जो है ना वो बाद में देखेंगे, फिलहाल हम सिंपल के साथ डील कर रहे हैं। तो हमारे पास ये वाई जो है वो हमेशा सिंपल में ज़ीरो आएगा और सॉल्यूशन जो है वो ट्रिवियल होगा। तो उसके बाद ये पहला हमारा स्टेप होगा कि हमने देखना है कि हमें जो दिया हुआ है फंक्शन वो ग्रीन सिंपल है, सिंपल ग्रीन्स है या मॉडिफाइड है। वो जब हम देख लेंगे तो उसके बाद हमें नेक्स्ट पता चलेगा कि वो हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। और अब हम ये सिंपल है, अगर वाई ज़ीरो आ गया तो अब हम इसे सिंपल ग्रीन्स फंक्शन को किस तरह सॉल्व करते हैं उसके स्टेप्स देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होगा उसमें हम देखना है कि जी ऑफ एक्स टी जो है वो मस्ट सेटिस्फाई एल ऑफ जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जो हमें वैल्यू दी होगी ना, हमने उसमें वाई की जगह पर जी कर देना है, तो वो जी जो है वो उससे सेटिस्फाई लाजमी करेगा। और एल ऑफ जी क्या होता है कि जैसे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, अगर ये हमारे पास एक इक्वेशन है तो इसमें ये यहाँ पर इसके साथ लैम्डा आ रहा है, तो जो लैम्डा वाला पार्ट है उसको निकाल के जितनी भी हमारे पास वैल्यू बचेगी वो एल ऑफ वाई है। जो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ये इसका सेकेंड पार्ट। हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है कि जी ऑफ एक्स टी मस्ट सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशंस। इसमें बाउंड्री कंडीशंस जैसे कि ये अगर बताया हुआ, अगर बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है बी वन ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, बी टू ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इसके अंदर हमें वाई की फॉर्म में बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं तो हमने वाई की जगह पे जी कर देना है, तो उस हिसाब से हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस आ जाएंगी जी की फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि जी सेटिस्फाई कर रहा है बाउंड्री कंडीशंस को। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है कि एक हम कैलकुलस के अंदर एक हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कॉन्टीन्यूस की, कि कोई भी फंक्शन कब कॉन्टीन्यूस होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है उसकी राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाती है तो वो कॉन्टीन्यूस हो जाता है किसी भी पॉइंट पे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जी ऑफ एक्स टी इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज़ इक्वल टू टी, तो उस ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। जब हम स्टेप थ्री करेंगे ना, तो इससे हमारे पास एक फंक्शन जी आ जाएगा जिसको हम पीस वाइज कर लेंगे, मतलब दो इंटरवल्स में कन्वर्ट कर लेंगे बीच में लगा के। वो भी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगी, लेकिन थोरली यही है कि ये दो एक फंक्शन जी बन जाएगा, उस जी के थ्रू से हम इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास एक और नया जी का फंक्शन बन जाएगा। हमारा फिफ्थ और लास्ट स्टेप है वो
कि जी डैश यानी डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स टी इज डिसकॉन्टिन्यूस एज एक्स अप्रोचेस टू टी एंड मोर ओवर, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन बनेगा जी का फोर्थ स्टेप में, उस फोर्थ स्टेप वाले जी का हमने लेना है डेरिवेटिव, और उसके बाद हमने उसकी उसके ऊपर ये एक्स अप्रोचेस टू टी प्लस जीरो और एक्स अप्रोचेस टू टी माइनस जीरो, मतलब ये जो पीस वाइज फंक्शन होंगे अलग अलग, तो उनको हमने यहाँ पर पुट करके और उनका डेरिवेटिव यहाँ पर सॉरी पुट करके तो उनको आपस में माइनस करना है और इज इक्वल टू वन ओवर पी टी। पी टी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि कोई भी जैसे हमारे पास अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये अब हम क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं एग्जांपल, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन के लेके दिखाती हूँ। जैसे कि ये एग्जांपल है, अब इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास पी ऑफ टी क्या है, ये तो है हमारे पास एक्स के लिहाज से, जो गिवन क्वेश्चन है ना वो हमारे पास एक्स के लिहाज से है, यहाँ पर फंक्शन जो है वो वाई ऑफ एक्स की फॉर्म में है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ एक्स है। पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, जो डेरिवेटिव होगा ना, ये डबल डेरिवेटिव जिसके ऊपर होगा, जो हायर डेरिवेटिव होगा उसके साथ जो कोफिशेंट होता है वो हमारे पास होता है पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन है, और ये पी ऑफ टी अगर हम लें तो यहाँ पे एक्स तो है नहीं है, जिसकी जगह पे हम टी कर दें तो वो भी हमारे पास मान नहीं आएगी। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी एग्जांपल को हम इन सारे स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, सिंपल ग्रीन्स फंक्शन के यही पांच स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर हम उसे सॉल्व करते हैं। तो ये वाले एग्जांपल को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इन फाइव स्टेप्स से। स्टेप वन है हमारे पास कि हमने वाई लैम्डा को ज़ीरो कर देना है, तो लैम्डा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, पुट लैम्डा इज इक्वल टू जीरो इन गिवन फंक्शन, लैम्डा जीरो हो जाएगा तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू हमारे पास जीरो आ जाएगा। इसको हमने अब इंटीग्रेट करना है, वो इंटीग्रेट करना है दो दफ़ा, इसके डेरिवेटिव खत्म करना। फर्स्ट टाइम जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ से तो हमारे पास आ जाएगा एक्स, सॉरी एक्स नहीं, ए आएगा हमारे पास, एक कॉन्स्टेंट ए आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब हम इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वाई आ जाएगा और ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये तो आपको आता ही होगा। अब जो गिवन बाउंड्री कंडीशन है उसको अप्लाई करके हमने पता करना है कि वाई हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं, जिस तरह हम लोग एस एल वाली प्रॉब्लम्स ODEs में सॉल्व करते थे ना, ये उस तरह का। अब इसमें हम पहली बाउंड्री कंडीशन अगर हम अप्लाई करें तो वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ पे y ऑफ ज़ीरो का मतलब है जहाँ पे y के फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, a ज़ीरो प्लस b, तो ये आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा b इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे हमारे पास b इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन को जो है ना वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन थी वाई ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे जो हमारे पास वाई का फंक्शन है उसके अंदर एक्स की जगह पे हमें वन पुट करना है और इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। ए प्लस बी आ गया हमारे पास, हमने पहले ही बी की वैल्यू निकाल ली है, बी की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि ज़ीरो है, तो हम वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर हमारे पास ए भी ज़ीरो आ गया, तो हम वाई के अंदर अगर उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुट ए एंड बी इन वाई, तो वाई हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। यहाँ पर इस वाई के अंदर हम ए और बी की वैल्यू लगाएंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, जो कि हमारे पास एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो हमारा जो फंक्शन है ग्रीन्स फंक्शन है वो सिंपल ग्रीन फंक्शन होगा, सिंपल ग्रीन्स फंक्शन। अब नेक्स्ट हम स्टेप टू पे चलेंगे। हमारा टू वाला स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप है हमारा जी ऑफ एक्स टी मस्ट सेटिस्फाई एल ऑफ जी। जो एल ऑफ जी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गिवन फंक्शन है हमारे पास ये है, इसके अंदर लैम्डा वाली जो वैल्यू है उसको निकाल के जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास एल ऑफ जी होगा। तो हमने क्या एल ऑफ जी जो है जी ऑफ एक्स एल ऑफ जी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एल ऑफ जी हमारे पास वाई डबल डैश है, एल ऑफ जी जो है हम इक्वल टू वाई डबल डैश है लैम्डा वाली वैल्यू को निकाल कर, तो जब जी इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास जी ये इक्वल टू ज़ीरो, एल ऑफ जी इक्वल टू ज़ीरो, जी डबल डैश इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास। तो जी डबल डैश इक्वल टू ज़ीरो जब हम इसको टू टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास अगेन जो वैल्यू आएगी वो ए एक्स प्लस बी होगी, ए एक्स प्लस बी हो जाएगी। अब हमारे पास जी इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आ गया, और इस सेकंड स्टेप के अंदर अब हमने जो है ना इसके जो इंटरवल है हमारे पास एल ऑफ जी का जो इंटरवल है वो हमारे पास है ए से बी, ए से बी है। अब हमने इसको पीस वाइज में कन्वर्ट करना है, तो जी ऑफ एक्स ऑफ टी होगा हमारे पास जो फंक्शन है उसको हमने पीस वाइज करना है, वो कैसे, ए इसके सब इंटरवल्स बनाएंगे ए एक्स प्लस बी, और ये हमारे पास जाएगा
हमारे पास जो गिवन लिमिट है वो 0 से 1 है, यानी जो वैसे जनरली है ये ए से बी, लेकिन जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर 0 से 1 जो है वो हमारा इंटरवल है, तो उस हिसाब से हमने इसे 2 सब इंटरवल्स में कन्वर्ट करना है। वो सब इंटरवल्स कैसे होंगे हमारे पास, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ कि सब इंटरवल्स 0 T के बनेंगे, यानी हमारे पास 0 से T और 0 से T और दूसरा हमारे पास इंटरवल बनेगा T से 1। ये एक दफ़ा हम टी को इंक्लूड करेंगे, दूसरी दफ़ा हम टी को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि हमें टी एक ही दफ़ा चाहिए, 2 दफ़ा तो नहीं चाहिए। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट वाला आएगा ए एक्स प्लस बी, वो हमारे पास आएगा 0 से x < t, 0 से t, और जो नेक्स्ट होगा ना, हम थोड़ा सा चेंज करने के लिए उसे हम ए डैश एक्स प्लस बी डैश बी प्राइम प्राइम कह लें या डैश कह लें, t < x < 1, टी को एक दफ़ा इंक्लूड करना है। यहाँ पे हमने इक्वल लगा लिया, यहाँ पे हम इक्वल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे टी से 1 तक आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास बन गया जी ऑफ एक्स टी, और ये हमारे पास स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने करना है स्टेप 3। ये स्टेप 3 आ गया हमारा, इसके अंदर हमने क्या करना था, हमने बताया इसके अंदर करना है कि जी ऑफ एक्स टी मस्ट सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशंस। स्टेप 2 के अंदर ये वाला पार्ट जो है ये समझाने के लिए क्या दोबारा बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये लिखना नहीं है बीच में। तो स्टेप 3 करते हैं, उसके अंदर जी ऑफ एक्स टी जो है वो मस्ट सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशंस। अब इसके अंदर जो हमें गिवन बाउंड्री कंडीशंस हैं वो ये है, y ऑफ 0 = 0। अब जब हम इसको g में हम कन्वर्ट करेंगे तो g x की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 0 है और ये t वैसे ही आ जाएगा, तो इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होगी वो y ऑफ 1 = 0 गिवन है, इसके ज़रिए से g ऑफ x x की जगह पे यहाँ पे 1 आ जाएगा और t वैसे ही आ जाएगा इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ये जो जी ऑफ एक्स टी का फंक्शन है, हम इसके अंदर ये वाली कंडीशंस अप्लाई करवाएंगे, वो किस तरह करवाएंगे ये देखने वाली बात है। अब हमने जी में जो है वो कन्वर्ट करवा लेंगे वैल्यूज़, ये जी वाला फंक्शन हमारे पास पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर से हमने इस किस तरह से लगानी है, ये जो पहली बाउंड्री कंडीशन 0 से t वाली बनी है, तो हमने जो इंटरवल 0 से t पे जा रहा है हमने उसके ऊपर ही अप्लाई करवानी है, ये वाली देखने वाली बात है। और ये जो दूसरी हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है वो 1 और t है, इसकी वैल्यू 1 से t तक जा रही है, तो हमने जो इंटरवल 1 से t तक जा रहा है हमने उसके ऊपर ये वाली वैल्यू अप्लाई करनी है। ये मैंने दोनों यहाँ पे लिख ली हैं और अब हम इसको 1 by 1 अप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट है हमारे पास जी ऑफ 0t = 0, तो हमारे पास जो फंक्शन 0 से t पे जा रहा है वो है ax + b है, तो यहाँ पे ax + b लिखेंगे और x की जगह पे यहाँ पे 0 आएगा प्लस b = 0, तो हमारे पास पहली बाउंड्री कंडीशन से b = 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1 से t, तो जो 1 से t पे हमारे पास फंक्शन बन रहा है वो a प्राइम है, a की जगह वो 1 x की जगह पे 1 आ जाएगा प्लस b = 0, तो यहाँ पे b प्राइम आएगा, तो ये हमारे पास आएगा a' + b' = 0, ये दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। इसकी तो वैल्यू निकल आई है लेकिन ये आ गया है a' + b' = 0, तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे। कोशिश करें हमेशा b की ही वैल्यू निकालें क्योंकि उससे ज़रा सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा आसानी होती है। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने जो ये स्टेप 3 के अंदर हमने वैल्यूज़ निकाली, जो स्टेप 2 में हमारे पास जी ऑफ एक्स टी बना था ना ये वाला, हमने उसके अंदर अब वैल्यूज़ लगानी है जी ऑफ एक्स टी पे। बी हमने 0 निकाला है, बी की जगह पे 0 पुट कर देंगे और ए बी प्राइम की वैल्यू यहाँ पे हमने -a' निकाली है, वो यहाँ पे पुट करेंगे हम। अब हमारे पास नया जी ऑफ एक्स बन गया, यहाँ पे जो बी की वैल्यू पुट की और उसके बाद हमने -a पुट किया, तो हमारे पास जो नया फंक्शन बन रहा है वो जी का ये है। जैसे जैसे फंक्शन चेंज करते जाएंगे नेक्स्ट में हमने उसको यूज़ करना है। अब स्टेप 3 में हमारे पास जी का फंक्शन ये आया, तो हमने स्टेप 4 में इसको यूज़ करना है। स्टेप 4 में जो आएगा वो हमने फिर स्टेप 5 में यूज़ करना है। नेक्स्ट अब स्टेप 4 देखते हैं। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, मैं ऊपर से देख के आपको बता दी। स्टेप 4 में हमें क्या करना था कि जी ऑफ एक्स टी इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टी, उसकी कंडीशंस मैंने आपको पहले बताई हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। माइनस प्लस जो है वो हमने बस लेफ्ट और राइट दिखाने के लिए बताई हैं। सिंपली हमने लिमिट अप्लाई करनी है इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर जो हमने पहले बनाई है। तो हमारे पास जो जी का फंक्शन बना था स्टेप 3 के अंदर
वो क्या था, ए एक्स ए बार एक्स माइनस ए ए प्राइम, यानी ए बार या ए प्राइम एक बात है, तो इसको हम यहाँ से ए प्राइम एक्स माइनस वन भी लिख सकते हैं इस वाले को। तो हमने इसको और इसको इस तरह से लिख लेना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे एक पे ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है और राइट हैंड साइड पे दूसरे पे लिमिट अप्लाई कर देनी है। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे हमने टी लगा लेना है, और यहाँ से हमने एक और कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पे मैं निकालूँगी ए प्राइम की वैल्यू, जो हमें ईजी लगे, आप ए की भी निकाल सकते हैं, ए प्राइम की भी लगा सकते हैं, जो ईजी लगे। तो अब मैंने ए प्राइम की वैल्यू निकाल लिया, वो यहाँ पे टी ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास ए प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो हमने ए प्राइम की वैल्यू है, जो हमने जी का फंक्शन निकाला है पीछे, उसके अंदर हम पुट कर देंगे ये ए एक्स, और यहाँ पे ए प्राइम इंटू एक्स माइनस वन था, तो ए एक्स तो वैसे ही रहेगा, और जहाँ पे ए प्राइम है यहाँ पे ए प्राइम की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगा देंगे, पुट कर देंगे ए प्राइम की जो वैल्यू आई है टी ओवर टी माइनस वन इंटू ए एक्स माइनस वन। ये हमारे पास नया फंक्शन बन गया है। नेक्स्ट स्टेप फाइव जो था हमारे पास, वो था कि हमारा जो जी बार यानी डी डेरिवेटिव एक्स ऑफ टी जो है वो डिसकॉन्टीन्यूअस वाली कंडीशन है, कॉन्टीन्यूअस एज एक्स अप्रोचेस टू टी। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो फंक्शन हमारे पास बना है, सबसे पहले तो हमने ये जी ऑफ एक्स टी है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एस एक्स, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होगा टी ओवर टी माइनस वन, और ए वैसे ही आ जाएगा। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास वन, वो लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमने क्या करना है, जो फर्स्ट वैल्यू डेरिवेटिव वाली वैल्यू है उस पर लिमिट अप्लाई की, वो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई पी ए पे करेंगे तो ए ही आएगा, माइनस जो सेकेंड हमारे पास वैल्यू आएगी उस पे एक्स अप्रोचेस टू टी वाली लिमिट अप्लाई की माइनस करके दोनों को वो की, और उसके बाद वन ओवर पी ऑफ टी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था पी ऑफ टी जो था हमारे पास वो था वन, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब इसके थ्रू से हम कॉन्स्टेंट, लास्ट कॉन्स्टेंट हमारे पास ए की बचा ए, उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, यहाँ से हम ले लेंगे ए को कॉमन, वन माइनस टी ओवर टी माइनस वन इज इक्वल टू वन, और यहाँ से हम इनका एलसीएम लेके ए की वैल्यू निकालते हैं। ये हमने सिंप्लीफिकेशन की, एलसीएम लेके तो हमारे पास ए की वैल्यूज आ गई, या इस तरह माइनस में लिख लें या इस तरह लिख लें। अब हम इस ए को जो हमारा जी का बना था उसके अंदर पुट करेंगे, जी वाला फंक्शन बनेगा, ये बना था ना हमारा जी वाला फंक्शन, अब इसकी जगह पर हम ए ए को पुट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो ये वाला फंक्शन था हमारे पास जी, इसमें ना थोड़ी सी मुझसे एक मिस्टेक ये हुई है कि मैं आपको बता रही थी कि हमने इसके अंदर वैल्यूज लगानी हैं फंक्शन के अंदर, ये वाले फंक्शन का मैं आपको बता रही थी, लेकिन ये डेरिवेटिव के, हमने डेरिवेटिव वाले फंक्शन में वैल्यूज़ नहीं लगानी। मैंने पहले आपको बताया था कि हमने जो पिछले स्टेप में जी निकाला होगा हमने उसको यूज़ करना है। स्टेप फोर में हमारे पास ये वाला जी आया था, डेरिवेटिव तो हमने वैसे ही वो डिसकॉन्टीन्यूअस प्रूव करने के लिए लिया था, तो हमने इस वाले जी को यूज़ नहीं करना, इस वाले में करना है। अब जो हमारे पास ए की वैल्यू आई है ना, ए की वैल्यू जो हमने वो वन माइनस, मतलब कि वन माइनस टी जो हमने ए की वैल्यू निकाली है, वो हमने इस वाले जो है ना फंक्शन उसके अंदर पुट करनी है। ये मैंने फंक्शन लिख ली है, अब इसके अंदर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाएंगे, ए की वैल्यू लगाई यहाँ पे, तो यहाँ पे ये टी माइनस वन इससे कैंसिल हो गया, और उसके बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करके ये बजा जो कि हमारा आंसर है। और इस तरह से हम लोग सिंपल ग्रीन्स फंक्शन को फाइव स्टेप्स में जो है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीक ग्रीन फंक्शन की कोई एक दो और जो डिफरेंट वाली एग्जांपल्स है वो भी मैं आपको बता दूंगी, वो भी मैं आपको करवा दूंगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें नीचे, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। Thank you so much.